हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? हेलो सुभा जी, हेलो मीनू जी, वेलकम। आ जाइए सर, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विला। ये जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, दीज आर नॉट ओनली फॉर दिस मधुबनी पेंटिंग क्लासेस। ये सिर्फ मधुबनी पेंटिंग की क्लासेस के लिए नहीं है, ये कॉमन है ना, कॉमन ग्रुप है। बाद में भी चालू रहेंगे, तो नो नीड टू लीव दिस ग्रुप। अगर आपको आगे भी हमारे आर्ट करते रहना है, सेशंस अटेंड करते रहना है, तो आपको ग्रुप छोड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो अंजलि, कैसे हो सर? सॉरी डबल वॉइस। चलो, बहुत गर्मी है, बहुत हालत खराब है। हाउ आर यू, कैसे हो? हाय नव्या, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो रिंकी, चलो जल्दी जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर दीजिए। और जैसे ही आप शेयर करते हैं लाइव सेशन को, आपके नेम के आगे शेयरर टैग आने लग जाता है, तो हमें पता चल जाता है। लिप्पन आर्ट की क्लास हमारी स्ट्रिंग आर्ट की क्लास के बाद में है। हाँ, बहुत मतलब वेदर का पता ही नहीं चल रहा, बहुत अजीब सा वेदर हो रहा है। दिल्ली में रेन हो रही है ना। थैंक यू। हाँ, बॉर्डर्स बहुत अच्छा बनाया ना हमने। आई रिपीट वंस, ये हमने मधुबनी का बेसिक स्टार्ट किया है, तो बॉर्डर से स्टार्ट किया है हमने। ये वाला बॉर्डर हमने बनाया है, देन कचनी स्टाइल वी हैव डन ऑलरेडी। कचनी स्टाइल मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक नॉलेज हो रही है आपको कि कचनी स्टाइल होता कैसा है, किस तरह की पेंटिंग को कचनी स्टाइल पेंटिंग कहते हैं, तो आपको बेसिक पता चलता जाएगा। बॉर्डर आपको काफी डिटेल में मैंने बता दिया है, और इतने अनलिमिटेड बॉर्डर्स होते हैं कि मैं अगर कराने लगूंगी सारे बॉर्डर्स तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतने अनलिमिटेड बॉर्डर्स होते हैं। बट मैंने आपको इतने इम्पोर्टेंट बॉर्डर्स बताए हैं जिससे रिलेटेड आप बहुत सारे बॉर्डर्स अपने आप से बना सकते हो। तो बेसिक मतलब आपको बेसिक नॉलेज, इतना स्ट्रांग नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। तो कचनी स्टाइल आपको कभी भी दिखेगा, रेड लाइन से रेड पेन का लाइन हो, मैं आपको बताती हूँ एक बार, ये भी बता देती हूँ रेड पेन वाला भी। नॉट ओनली विथ ब्लैक पेन, यू कैन यूज रेड पेन डॉट लाइन्स ऑल्सो, रेड पेन और ब्लैक पेन दोनों की डॉटेड लाइन से बना सकती हो आप। तो जैसे ये हमारा रेड पेन है, यू कैन सी ये डॉटेड लाइन बना दिया मैंने, तो रेड कलर से डॉटेड लाइन भी हो जाएगा। इसमें बहुत कलर्स यूज नहीं होते हैं, बेसिकली ब्लैक एंड देन रेड, सो यू कैन यूज दिस वन। इस तरह से आप रेड कलर का भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये रेड पेन भी यूज होता है। ये कलर्ड पेन हम मंडला के लिए रखते ही हैं, तो हमारे सब में यूज आ जाते हैं ये, यू कैन सी सारे कलर के पेन, और बहुत सारे कलेक्ट हो गए। अभी तो मंडला का कोर्स किया था, तो इतना सारा मटेरियल कलेक्शन हो गया है। स्ट्रिंग आर्ट में आपको एंकर थ्रेड लेने होंगे, इस तरह के एंकर थ्रेड आते हैं, ये लेने होंगे आपको स्ट्रिंग आर्ट में। ये वाले, और बहुत अमेजिंग चीज बनेगी, क्लॉक बनाएंगे इसमें। स्ट्रिंग आर्ट में हम बनाने वाले हैं क्लॉक, की होल्डर और
एक पेंटिंग टाइप बनाने वाले हैं, उसका बताती हूँ मैं, रुको आपको। हाँ, की होल्डर के लिए किस तरह के हुक चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं अभी लेकर आई हूँ तो कल वाले सेशन में मैं दिखा नहीं पाई, ये वाले होल्डर, ठीक है, यू शेप, ये आपको की होल्डर के लिए चाहिए होंगे। ये इजीली लग जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, स्क्रू होते हैं, तो ये हमें चाहिए होंगे उसके लिए। और बाकी मैंने कल जो मटेरियल डिटेल के लिए लाइव सेशन लिया था, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है वो ज्वाइन कर लिया, तो जो भी आप कर सकते हो। एंकर थ्रेड नेम है, एंकर थ्रेड। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मधुबनी पेंटिंग पे, स्टार्ट कर लेते हैं। आई विल स्विच माई कैमरा टुवर्ड्स माई वर्क प्लेस। मैं आपका कमेंट्स भी पढ़ती रहूंगी, आपको जिससे जिसके भी लिए आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन आप मुझे बोल सकते हो। ओके, लेट मी स्विच माई कैमरा टुवर्ड्स माई वर्क प्लेस। This one is Kachni style painting. Five style of painting we will learn in Madhubani. Hello Neha ji, abhi sab log aa rahe, so we have to wait for a few more members. Yes, anchor embroidery thread we will be required for that. To abhi sab log join karte jaiye, kab tak? बॉर्डर्स में बना रही हूँ सिर्फ हमारा अच्छा लगने के लिए, थोड़ा लुक भी तो देना है, सिर्फ कराने से मतलब नहीं है, थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए हमारा पेंटिंग। सो अगेन आई एम मेकिंग, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं ये पहले से बना के रखती, पहले मैंने सोचा आज का स्किप करने का, आज का ऑफ रखने का, बट मुझे लगा आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। यहां पर हम करने वाले हैं भरनी स्टाइल, ठीक है, सेकंड वी आर गोइंग टू डू भरनी स्टाइल पेंटिंग। मैम को डोंट वरी, यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग, आप अपना स्टडी प्लीज सफर नहीं करें, आप रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो ना, प्लीज अपना स्टडी सफर नहीं करवाओ, स्टडी टाइम से करते रहो, इसका तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसका पिक्चर क्लिक करके, फोटो क्लिक करके, अपना नेम वॉटरमार्क नेम लिख के आर्ट एंड क्राफ्ट विला के ग्रुप में पोस्ट करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, फेसबुक ग्रुप है आर्ट एंड क्राफ्ट विला, उस पर करेंगे। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग। बहुत बिजी लग रही हूँ ना, ऐसे ही उठ के आ गई हूँ क्लास के अंदर, लगी रहा है देख के शिवानी जी, मतलब मैं इतना बिजी थी मार्केट, मतलब अभी आई फटाफट फटाफट मेरे क्लास लिया, मुझे लग रहा था कि आज का मैं ऑफ कर देती हूँ, एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि आज नहीं लूंगी, फिर मुझे लगा आप लोग सब बहुत एक्साइटेड हो तो चलो ले लेते थोड़ा सा टाइम निकाल के। अभी भी ये क्लास लेने के बाद में मेरे पास हाफ एन आवर का ब्रेक मिलेगा, उसमें मुझे काम करना है, फिर हमारी क्लास पर्शियन आर्ट की जो क्लास चल रही है वो चलेगी, फिर बुद्धा म्यूरल की क्लास चलेगी, तो शाम हो जाएगी, ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा। भरनी स्टाइल, ठीक
के भरनी स्टाइल का मधुबनी है ये हमारा। कचनी स्टाइल में आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कचनी स्टाइल में आपको लाइंस होती है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है ना, ये क्लियर विजिबल हो रहा है। तो कचनी स्टाइल में क्या होता है, लाइंस विजिबल होती है, लाइंस होती है, डॉटेड लाइंस हो गया, वेवी लाइंस हो गया, इस तरह से। भरनी स्टाइल होता है जिसमें फुल ऑफ कलर्स होता है, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, बिल्कुल ब्राइट कलर्स यूज होते हैं, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, इस तरह के कलर ही होते हैं। ट्रेटरी कलर्स नहीं होते हैं, जैसे पिंक कलर नहीं मिलेगा आपको, वॉलेट कलर नहीं मिलेगा, इस तरह के जो मिक्स मैच करके बनाए हुए होते हैं ट्रेटरी कलर्स वो नहीं मिलेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स ज्यादातर वो ही मिलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कलर्स होता है। अरे बाबा, हैंड्राइड, डोंट गो ऑन माय हैंडराइटिंग, इट्स नॉट दैट मच गुड। मैंने कभी फोकस ही नहीं किया हैंडराइटिंग की तरफ, खूब डांट पड़ती थी। राइटिंग पेज करने को मिलते थे हमें, बहुत सारे राइटिंग पेज करने को मिलते थे। गुड आफ्टरनून भूमि, अभी सब लोग आ रहे हैं, फिर बोलेंगे मैम हम लेट हो गए, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देते हो आप। कचनी स्टाइल में डॉटेड लाइंस था हमारा, रेड एंड ब्लैक। भरनी स्टाइल फुल ऑफ कलर्स होता है, जो जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। यस, यू कैन यूज ब्रश पेंस, तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ओनली दीज टाइप ऑफ कलर्स होते हैं उसके अंदर। वी कैन यूज पोस्टर कलर, वॉट एवर कलर यू हैव यू कैन यूज राइट नाउ, ओके। तो नेचुरल कलर्स यूज करते थे, नेचुरल कलर्स का भी ओरिजिनल लुक आता है पोस्टर कलर में, इसलिए हम पोस्टर कलर प्रेफर कर लेते हैं। तो टुडे वी आर डूइंग सेकेंड वन, भरनी स्टाइल पेंटिंग। भरनी स्टाइल का हम ऑलरेडी एक पेंटिंग, बहुत बड़ा पेंटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव डन दिस वन पेंटिंग हम ऑलरेडी बहुत दो टू टाइम्स हमने कर लिया है ये पेंटिंग हमने, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो भरनी स्टाइल, यू कैन सी लॉट्स ऑफ कलर्स इन दिस, बहुत सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह की जो पेंटिंग्स होती है वो भरनी स्टाइल में होती है, जो फुल भरा हुआ होता है कलर्स से, ओके। तो आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से आपको बता देती हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था हमारा भरनी स्टाइल का, बट फिर भी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। सो वी आर गोइंग टू मेक हियर वन सर्कल, मैं डायरेक्टली पेन से बना रही हूँ, बट यू यूज पेंसिल, आप पहले पेंसिल यूज कर लीजिए, अदरवाइज हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं डायरेक्टली पेन से बना रही हूँ, बट यू यूज पेंसिल, आप पेंसिल यूज करिए ना। अभी मधुबनी का मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और बताई थी मधुबनी पेंटिंग के लिए, कि मधुबनी पेंटिंग का आपको कैसे पता चलेगा ये मधुबनी पेंटिंग है। अब क्या चीज है जो जिसको देखकर आप कह सकते हो कि ये मधुबनी पेंटिंग है? डबल लाइंस, वेरी नाइस। ये इस तरह जब आपको याद रहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो आप ध्यान दे रहे हो क्लास के अंदर। तो डबल लाइन होता है इसका, अभी हम बना रहे हैं इसमें, देखो डबल लाइन बना देते हैं हम। पूरा पेंटिंग है इसमें, हम डबल लाइन बना देते हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। वैसे आपको भरनी स्टाइल का इतना अच्छा एग्जाम्पल, हम तो पूरी पेंटिंग कर चुके हैं ऑलरेडी भरनी स्टाइल में, और वो काफी लोगों ने पेंटिंग करी थी और बहुत ही अमेजिंग वर्क किया था। आप सबने बहुत अच्छा काम किया था, एलिफेंट वाला जो बनाया था आपने गजानन,
बीक, और बीक को भी मैं कर देती हूँ डबल लाइन। आई, अभी इसको हमने बिठा दिया है। तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने वाली हूँ इसमें। देखो मेरे यहाँ पर भी आवाज आने लग गई है ना, बर्ड्स देख रहे हैं कि हमारे साथ वाला कौन आया है। सेम थिंग फ्लावर में भी मैं डबल लाइन कर देती हूँ। ये डबल लाइन, यहाँ पर मैंने कर दिए हैं लीफ। पेन से बना रही हूँ, आपको होप कि बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है। थैंक यू वैशाली जी। बहुत ज्यादा साउंड आता है मेरे बर्ड का, मुझे तो आता है बट आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है क्या? अभी देखो ये कोई बच्चा या कोई इंसान तो है नहीं कि मैं इनको कह के चुप करवा दूं। अभी ये वाला तो नेचुरल साउंड है तो आपको आएगा ही। इसको मैं चाह कर भी बंद नहीं करवा सकती ना। हम छोटा पीस बना रहे हैं बट इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। ये बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल लगने वाला है तरह की पेंटिंग्स का। और यहां पर मैंने छोटा सा कॉर्नर बना दिया है। पता है मेरी ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट होती है ना तभी बोलना शुरू करते हैं, वरना नहीं बोलती है। इतनी आवाज वैसे नहीं आती इन बर्ड्स की, बट पता नहीं इनको शायद पता चल जाता है जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट होती है ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरी बालकनी में आ जाती है सारी। ये मेरे कोई पाली हुई बर्ड्स नहीं है, नॉर्मल ये बाहर घूमती रहती, बट मेरी बालकनी मेरे पास बहुत आती है बर्ड्स। भरनी स्टाइल है तो हम अच्छा बहुत ज्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं करना है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना है बट आप थोड़ा बहुत डिटेलिंग वर्क कर सकते हो। भरनी में कलर भरने का ज्यादा होता है। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। ओके, भरनी में कलर्स भरने का सबसे ज्यादा होता है, डिटेलिंग का इतना नहीं होता है, कलर्स भरने का ज्यादा होता है। अब मैंने बोल दिया तो मुझे लग रहा है ये बर्ड्स और ज्यादा बोलने वाली है मेरे यहां पर। इन्हें पता चल जाता है मैं लाइव आई हूं ना, क्लास चल रही है, इनको बोलना है। ओहो बैकग्राउंड सॉन्ग। इसी तरह जो बच गया है वहां पर मैंने सर्कल दे दिए हैं इस तरह के, तो ये हमारी पेंटिंग को और भी अच्छे लुक देंगे। बहुत ज्यादा नहीं भरना है ना।
ना बर्ड्स अच्छे लगते हैं। चलो अच्छा है। अभी क्या होता है जब आप डबल लाइन बनाते हो, ठीक है, जब भी आप डबल लाइन बनाते हो आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल लाइन से उसकी फिलिंग करनी है। ये मधुबनी का पैटर्न है तो आप बहुत अच्छे से पहचान लोगे, जब भी आपके सामने मधुबनी पेंटिंग होगी आप बहुत अच्छे से पहचान जाओगे कि ये आपकी मधुबनी पेंटिंग है। तो ये डबल लाइन आपने बनाई है, इसमें आपको लाइन पैटर्न दे देना है ब्लैक से, ब्लैक से ही लाइन पैटर्न दे देना है आपको। तो व्हाइट बॉर्डर लाइन रह जाएगी, बॉर्डर लाइन हमारी रह जाएगी व्हाइट, बॉर्डर आपको अगर देना है, लो चलो इजी सी बॉर्डर बता देती हूँ आपको। अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप देखो इस तरह का कर्व बनाओ, बहुत अच्छा बता देती हूँ मैं आपको बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप इस तरह का कर्व बनाओ ये, ठीक है, बॉर्डर भी बता देती हूँ। बैकग्राउंड और पेंटिंग थीम से मैच हो रहा है। अभी दिस विल कम दिस साइड एंड इट विल कम दिस साइड, इधर आ जाएगा, सेम थिंग, इट विल कम दिस साइड, दिस विल कम दिस साइड। कितना इजी बन गया है और कितना क्विक बन गया है बॉर्डर, ये देखो बन गया बॉर्डर, कितना सुंदर बनाया फटाफट से। इसमें आप चाहो तो बीच में सर्कल दे सकते हो, फ्लावर्स दे सकते हो, जो आपको देना वो आप दे सकते हो। ये देखो पूरा पेंटिंग आपका पूरा पेज फिल हो जाएगा। बॉर्डर भी समझ आ गया, इस तरह से आपको बॉर्डर देना है। डबल लाइन बनाया है, हाँ हमने गणपति में भी बनाया था ना ये वाला बॉर्डर, बहुत सुंदर बनाया था, अच्छा बॉर्डर है। अभी इसी को आप लीफ वाला डिजाइन दे सकते हो, सेंटर में आप लाइन बना सकते हो, और इसको लीफ का डिजाइन दे दो। अभी जितना भी डबल साइड बॉर्डर है आपको उनमें लाइन पैटर्न देना है, ठीक है, भरली स्टाइल है बट मधुबनी का ये बेसिक पैटर्न होता है, मधुबनी का बेसिक पैटर्न होता है ये। थोड़ा स्लोली करना, अगर मेरे जितना फास्ट करोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, आप देख सकते हो, तो इतना फास्ट नहीं करना है, स्लोली स्लोली बनाना। पेंटिंग में सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। मैंने तो नॉर्मल ब्लैक जेल पेन लिया है, बाकी आप, मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपके पास नहीं है, अदरवाइज यू नीड टू यूज वाटरप्रूफ जेल पेन, वाटरप्रूफ वाला ही ब्लैक जेल पेन यूज करो अगर आप भरनी स्टाइल कर रहे हो तो, बिकॉज वी नीड टू फिल कलर्स, हमें कलर्स भी फिल करने हैं, तो अगर वाटरप्रूफ नहीं होगा जेल पेन तो सारा कलरिंग के टाइम पे स्प्रेड हो जाएगा ब्लैक कलर, सो यूज वाटरप्रूफ जेल पेन, इसलिए बोलती हूँ वाटरप्रूफ जेल पेन के लिए। लाइक दिस यू नीड टू मेक बॉर्डर। अभी हम कल भी मिलने वाले हैं सेम टाइम 2:00 ना, मैं कितना भी बिजी हूं मैं आ जाऊंगी। हाँ बर्ड्स आर आंसरिंग, अभी थोड़ा शांति है, निकल गई शायद यहां से, ये नहीं नहीं निकली, ये रही बोल गई, इन्हें सब पता होता है मेरी क्लास होगी तब आएगी ही आएगी ये, और इतना ज्यादा डबल लाइन हमने पूरा फिल कर दिया है, दिस इज मधुबनी पैटर्न। सो जहां पर भी आपको मधुबनी दिखता है और आपको पहचानना है कि मधुबनी है क्या, तो आप इस तरह से पहचान लोगे। Now we will start filling colors because this is Bharani style, so it's very important to fill color. Color fill करना तो बहुत ही important है, but मेरे पास जैसे poster color में सारे color, लगभग सारे colors available हैं, but we don't need these all the colors, हमें सारे colors नहीं चाहिए, हमें कुछ ही colors चाहिए होंगे, जैसे red, yellow, orange, green,
ब्लू, दैट्स इट। और ब्लैक हमने ले लिया है ऑलरेडी। नाउ वी नीड ब्रशेस। ओके, अच्छा एक बात मुझे आप सबको बोलनी थी कि आप लोग, पता कई लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि मैं समझ ही नहीं आता मैम ब्रश कौन से नंबर का यूज करना है, तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ। ब्रश आप अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग यूज करते हो, ठीक है। राउंड ब्रश हम यूज कर रहे हैं इसमें, बस ऑलवेज ब्रश आप अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग यूज करते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ये नंबर ब्रश तो नहीं, ये नंबर ब्रश तो है नहीं हमारे पास तो होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना वर्क कि वर्क ही नहीं होगा। अब तो हमेशा ब्रश को आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से चूज करिए। इसमें बेसिकली आपको शेडिंग नहीं देनी होती है, शेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ट्रेडिशनल आर्ट, फोक आर्ट है ये, तो फोक आर्ट में शेडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो शेडिंग नहीं देनी है आपको। सिंगल कलर फिल करना है लाइक दिस। सिंगल कलर जाएगा आपका फिलिंग के अंदर। अभी आपको जहां जहां पर करना है आप एक बार में, जैसे मैंने येलो लिया है तो मैं बार बार अपना ब्रश क्लीन नहीं करूंगी। हमने ब्रश क्लीन करने के लिए भी एक लाइव सेशन लिया था ना, आर्ट है कि कैसे आपको अपना टेक केयर करना है ब्रशेस का, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे कि आपको ब्रश के टेक केयर कैसे करना है। बहुत अच्छा सेशन था वो भी, लाइक दिस वी विल। अभी देखो बीच में मैंने डबल लाइन के अंदर लाइंस नहीं बनाई है, तो वो मुझे बनानी पड़ेगी बीच में। बिल्कुल आप कैनवास पे कर सकते हो, यू कैन डू दिस ऑन कैनवास, आप कैनवास पे कर सकते हो। आज वेंसडे है, थर्सडे एंड फ्राइडे टू डेज, वी हैव टू मोर डेज। ठीक है, हम टू डेज और ले लेते हैं, बट थोड़ा अच्छा काम करते हैं। पहले मैंने सोचा थ्री डेज में करवा दूंगी, पर ये मुझे होता हुआ लग नहीं रहा थ्री डेज में, तो हम टू डेज और ले लेंगे, थर्सडे एंड फ्राइडे, बिकॉज आई कैन गिव मोर देन वन आवर से ज्यादा तो मैं दे नहीं पाऊंगी। इसीलिए आपने देखा है जैसे ही मैं लाइव आती हूँ फटाफट से स्टार्ट कर देती हूँ सेशन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। ये मैं पोस्टर कलर यूज कर रही हूँ ना, क्योंकि पोस्टर कलर आपको नेचुरल कलर्स का लुक देते हैं। हाँ, स्मॉल वन ट्राइंगल लेफ्ट टू फिल येलो, ठीक है लास्ट में कर दूंगी। तो फुल ऑफ कलर्स, दिस इज भरनी स्टाइल। भरनी स्टाइल मतलब भरना है, क्या भरना है, कलर भरना है। डिटेल बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब होगा बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट कलर भरना है आपको। कहीं भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी डिजाइन्स मिल जाएंगे इसके, आप अपना खुद के डिजाइन्स बना सकते हो। अभी ये तो मैंने कहीं देखा नहीं है, बना लिया बस बैठे बैठे कि मुझे पता था मुझे एक पैरट बनाना, चलो ये बना लो।
तो जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो आप अपने खुद के डिजाइन भी बना सकते हो। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप अपना वर्क। अभी बेसिक आपको पता चलने लग गया कि ये चीजें होती है मधुबनी में। हाँ, पोस्टर कलर यूज करने का रीजन मैंने आपको बताया है क्योंकि ये नेचुरल कलर्स मधुबनी में नेचुरल कलर्स यूज होते थे और पोस्टर कलर बिल्कुल नेचुरल कलर वाला लुक देते हैं, इसलिए हम मधुबनी में पोस्टर कलर यूज कर रहे हैं। ओहो, यहाँ करूंगी तो सेम हो जाएगा। चलो कर देती हूँ अभी तो। बहुत फास्ट फास्ट मेरे जैसे स्पीड में करने की जरूरत नहीं है। डू स्लोली स्लोली। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन YouTube चैनल और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे देती हूँ एंड WhatsApp ग्रुप जो आपने ज्वाइन कर रखा है वो सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए नहीं है, वो कॉमन ग्रुप है, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। आगे भी आने वाली वर्कशॉप होगी उसका डिटेल मिलता रहेगा आपको वहां पर। हाँ, अभी आप स्केच पेन आप कर सकते हो। अभी आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो कर लीजिए। नहीं, आप चारों साइड में ले सकते हो, जिधर आपका मन है आप उधर लो बॉर्डर। मैंने तो आपको एग्जांपल बताया है बॉर्डर का। आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हो जाओ क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग पूछते हो, अभी आपने पूछा कि मैम इसमें कौन सा बॉर्डर अच्छा लगेगा, तो मैंने बना के दिखा दिया है कि ये बॉर्डर बना सकते हो। अब मैंने चारों साइड नहीं बनाया बट यू कैन मेक ऑल द फोर साइड, आप चारों साइड बॉर्डर बना सकते हो। पोस्टर बनाने के लिए क्या यूज करें? पोस्टर कलर बनाने के लिए या पोस्टर बनाने के लिए? कैसे पोस्टर, मतलब मुझे समझ नहीं आया। पोस्टर बनाने के लिए मतलब? अब शांति आई है, अब गई है वो बर्ड्स आ रही यहां से, अब मेरी बालकनी से उठ के गई है सारी बर्ड्स। अभी थोड़ा सा पीस हुआ है। कैनवास के लिए आप ब्रश यूज कर सकते हो। अच्छा चलो, अभी मैं ये आज ज्यादा लंबा सेशन मतलब इसके बाद हम दूसरा स्टाइल नहीं करने वाले क्योंकि हम कल भी आएंगे परसों भी आएंगे, तो मैं आपको निब्स दिखाती हूँ जिससे ये होता है पेंटिंग करा जाता है, ठीक है, वो दिखाती हूँ मैं आपको इसके बाद। हम ब्लैक जेल पेन वाटरप्रूफ इसलिए लेते हैं, अगर वाटरप्रूफ नहीं लोगे तो ये स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया? ओनली थ्री ब्रांच में मैं ब्राउन कलर लेने वाली हूँ।
ब्राउन कलर और कहीं नहीं लूंगी। मैम अच्छा कोई बात नहीं, लेट हो गए हो तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आज पक्का रिकॉर्डिंग सारी पोस्ट कर दूंगी मैं यूट्यूब चैनल पे, कल किया था शायद ना। अभी हम बनाने मधुबनी का हो जाए अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद में हम बनाने वाले हैं वॉल हैंगिंग, क्ले से बनाएंगे, क्ले बनाना बताऊंगी आपको और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको पड़ेगा, बहुत कॉस्टली नहीं पड़ने वाला है, बहुत रीजनेबल प्राइस में होने वाला है आपका। अभी आपको भरनी स्टाइल समझ में आया है, भरनी मतलब फुल ऑफ कलर्स। फुल कलर्स भरना है आपको। आप इन्हीं कोर्सेज करने के लिए इतना पैसा देके इधर उधर ढूंढते फिरते हो टीचर्स की कोई मिल जाए कुछ अच्छा सा सिखा दे, ये पेंटिंग सिखाएंगे आपको पेड क्लासेस ले लेके। हेलो विनु जी, मधुबनी पेंटिंग करी जाती थी फिंगर्स से, ट्विग से, ब्रश से और निब से, वो निब मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद में। अभी किसने बोला था मुझे मैम हम पेंटिंग कब बनाने वाले हैं? डियर पेंटिंग हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमने एलिफेंट वाला पेंटिंग बनाया था, गणेशा वाला, गणपति वाला, हमने मधुबनी सन बनाया था, कितना सुंदर सब लोगों ने बनाया, काफी लोगों ने बनाया है मधुबनी सन, उसका भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हमने सौरा आर्ट किया था उसका भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। भरनी मतलब फुल ऑफ कलर्स, नाउ यू गॉट इट, अब समझ आ गया। तो आई डोंट थिंक कि मुझे फुल करने की जरूरत है इसको, अब आप कर सकते हो इतना। थैंक यू श्वेता जी, देखो मैं इतना टायर्ड थी, इतना बिजी थी और देखो अभी आके सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ क्लास में आके मेरा मतलब सब ठीक हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाती हूँ मैं, कितना भी बिजी होते हो सब भूल जाते हैं, माइंड से सब निकल जाता है, इतना पीस होता है, आप लोगों के साथ आके मैं सब भूल जाती हूँ। फिर अभी जहां कलर रह गया है वो कलर आप फिल करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाइए थोड़ा सा। येलो लेमन येलो है ये, मैंने लेमन येलो शेड लिया है। अभी जरूरी नहीं है मैंने वहां लेमन येलो किया तो आप वहां लेमन येलो करो, आप चाहो तो बैकग्राउंड में लेमन येलो दे सकते हो और उधर फिलिंग में दूसरा कलर दे सकते हो।
अभी निब किस किस को देखनी है कि कैसे निब यूज होती थी, कैसे काम होता था। अभी हमारा जो मधुबनी का पेड सेशन आएगा ना, उसके हम उसके अंदर हम निब वाला वर्क भी करके दिखाएंगे, करवाएंगे। मधुबनी की पेंटिंग लेकर आएंगे, पेड क्लास में होगा वो। बट आपको पता है पेड क्लास में भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं। अभी स्ट्रिंग आर्ट का देख लो कितना, 300 ओनली ऑन 3 आर्टिकल्स। और कल मैंने आपको बता दिया था, अगर आप इसका रिकॉर्डिंग्स भी लेने आओगे बाद में तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। सिर्फ लाइव जो अटेंड करेगा और ये वाला सेशन अटेंड करेगा, सिर्फ उसके लिए है ये फीस 300 रुपीज। थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपको नॉमिनल फीस में वर्क करना है हमारा। यू कैन डू ब्लू कलर इन दिस, और ग्रीन कलर आप कर सकते हो, या फिर आप रेड कलर भी वापस से इसके अंदर कर सकते हो, अच्छा लगेगा। चलो मैं ब्लू करके दिखा देती हूँ कि ब्लू कैसा लगता है। अभी हमने ब्लू यूज नहीं किया है, पर मैं ब्लू भी यूज करके दिखा देती हूँ। मेरा ब्रश शायद ज्यादा अच्छे से क्लीन नहीं हुआ तो ये ब्लू का शेड चेंज हो गया है। ब्लैक लाइन तो फिर भी विजिबल रहेगी, मैं इतना करूंगी फिर भी ब्लैक लाइन विजिबल रहेगी। आप रेड भी कर सकते हो इसकी जगह, ग्रीन भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अच्छा आप भी ब्लू करने वाले थे, मैं इनका करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि करना है कि नहीं करना है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि कैसा लगेगा पता नहीं, तो चलो करके दिखा दिया अब आपको, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हो, जितना एक्सपेरिमेंट करना आप करिए, कचनी भरनी साथ करिए, एक्सपेरिमेंट कितना भी कर सकते हो। आप रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो ब्लू की जगह। वापस येलो भी ले सकते हो। कलर्स मैंने आपको बता दिए ये कलर्स यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको ब्लू भी करके दिखाया कि ये भी कलर आप यूज कर सकते हो। ओहो पानी ज्यादा हो गया ब्रश में, तो ये ध्यान रखना है ब्रश में बहुत ज्यादा पानी नहीं हो जाए। ये हमारा भरनी स्टाइल का मधुबनी हो गया। अभी सबको समझ आ गया भरनी स्टाइल। ये हमारे
बीक में हमारा रह गया था लाइन बनाना, वो मैं लाइन बना देती हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। आप बॉर्डर लाइन में भी कर सकते हो, अभी वेट है, बॉर्डर में भी आप ये वाला लाइन दे सकते हो। कछनी हो गया हमारा कल, भरनी हो गया, अब हमारा बचा है गोधना, तांत्रिक और कोहबर, ये तीन स्टाइल और बचे हैं। तो हमारे पास 2 डेज है, हम आराम से कंप्लीट कर देंगे गोधना, तांत्रिक एंड कोहबर, ये स्टाइल भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। अभी आप अगर ये बनाओगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, तब आप पहचान पाओगे। अब जब भी मधुबनी आपके सामने आए तो पहचानने की कोशिश करिए, कछनी है, भरनी है, गोधना है, कोबर है, तांत्रिक है, कौन सी है। ये सेशन कंप्लीट होते होते आपको 5ों मधुबनी पेंटिंग का, 5 स्टाइल का इतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि जब तक काम करोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। सुनी हुई बात दिमाग से जल्दी निकल जाती है, बट अप्लाई अगर आपने किया है, आपने अगर काम किया है तो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, लाइफ टाइम आपको याद रहेगी ये, लाइफ टाइम आप मुझे भी याद रखोगे। फिर किरण मैम के साथ किया था हमने ये 5 स्टाइल ऑफ मधुबनी। अभी मैं इंक साथ लेके बैठी नहीं हूं तो मैं आपको सिर्फ निब्स दिखा देती हूँ। कहाँ रखी है निब्स, पहले के टाइम पर इस तरह की निब्स आती थी, ये निब आती थी और ये बैम्बू स्टिक या कोई सा भी स्टिक जो मिलता था वो इस पर लगा लेते थे, है ना, ये निब लगा लेते थे और इसको इंक में डिप कर करके फिर काम किया होता था। ये इस तरह की स्टिक ये पहले के टाइम पे आती थी, पुराने टाइम वाली निब है ये, ठीक है, ये देख सकते हो आप पुराने टाइम की निब है, जब मधुबनी का काम होता था तो इस तरह की निब से काम होता था। आजकल भी इस तरह की निब से करते हैं, आजकल मार्केट में थोड़ा सा कोहबर है 5th। हाँ बिल्कुल, बैम्बू स्टिक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यूज, ये इस तरह की निब मिलती थी, इससे हम करवाएंगे हमारा जो सेशन आएगा इस बार, हम पेंट सेशन बिल्कुल ओरिजिनल मधुबनी से ला रहे हैं। आजकल जो मार्केट में निब मिल रही है वो इस तरह की मिल रही है, ये डबल निब है, ये सिंगल निब है, यू कैन सी दिस, इसमें इंक फिल हो जाता है, जैसे फिल करते हैं ये निकल जाता है, एक्चुअली ये निब देखो ये निकल गया है निब, और ये इसका अलग हैंडल आते हैं, इनको इस तरह से, ये निब है, ये इसका हैंडल है। आजकल पहले ये निब आती थी, इस तरह हैंडल नहीं आता था तो इस तरह की स्टिक में लग जाता था, ठीक है, ये स्टिक में लग जाता था, अभी ये देखो आप दोनों से कर सकते हो, इंक से भी कर सकते हो, एक्रेलिक से भी कर सकते हो प्राची जी। ये निब हो गया, ये हो गया बिल्कुल थिन वाला, इसमें डबल निब है तो इसमें ज्यादा होल्ड कर लेता है इंक, एक ही बार में काफी सारा होल्ड हो जाती है इंक, तो एक बार में आप काफी सारा वर्क इस तरह से कर सकते हो, बहुत सारा वर्क हो जाता है, ये डबल निब है इसलिए, ये थोड़ा थिक पॉइंट का है, ये थिन पॉइंट का है। कैलीग्राफी में अलग निब्स आती है, इस तरह की निब नहीं आती है, कैलीग्राफी में अलग निब आती है। वेरी नाइस सुरेखा जी, है ना, बहुत अमेजिंग वर्क होता है मधुबनी में, ये वर्क किया जाता है।
अरे बाबा आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। ये देखो ये पेंटिंग हमने की थी, सेम बॉर्डर है जो अभी मैंने आपको बताया लीफ वाला। ये कॉर्नर है, ये देख लो बस, और बॉर्डर में फिश बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। हाँ कैलीग्राफी में अलग नहीं आती है, ये पॉइंटेड नहीं आती है, उसके साइज अलग अलग होते हैं। वो भी सिखा दो, कैलीग्राफी भी सिखा दो। ठीक है समझ आ गया, कॉर्नर से कैसे लेना है, कलरिंग कैसे करना है, ये देख लो। हमारा थाई पेंटिंग का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको थाई पेंटिंग करनी है, पूरा गोल्ड लीफ का वर्क होगा, प्योर गोल्ड नहीं है, सिंथेटिक गोल्ड लीफ का वर्क है। अगर आपको थाई पेंटिंग का वर्क करना है तो आप थाई पेंटिंग की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हाँ सब सिखाती हूँ, कुछ भी ना छूट जाए। एलिफेंट वाले का सेशन रखा है, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। चलो एक और दिखाती हूँ, रुको एक मिनट रुको, दिखाते एक और। आप लोग मानने वाले तो हो नहीं मैम, ये भी दिखा दो वो भी दिखा दो, चलो सभी दिखा देते हो। एक सेकेंड, ओ ये हमारी पेंटिंग सभी चल रही है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी चल रही है रिलीफ पेंटिंग पर्शियन आर्ट, ये हमारे राधा कृष्ण। एक और रिलीफ पेंटिंग है, वो छोटा है, 20x26 इंच का है छोटा, बड़ा है 2x3 फिट का, और वो क्ले म्यूरल बुद्धा हमारे चल रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? लिप्पन आर्ट पहले आप करिए, स्ट्रिंग आर्ट फिर करवाएंगे हम लिप्पन आर्ट। ठीक है पहले आप करिए स्ट्रिंग आर्ट, स्ट्रिंग आर्ट के बाद करवाएंगे लिप्पन आर्ट। स्ट्रिंग आर्ट में बनाने वाले हैं क्लॉक, क्लॉक की मशीन वगैरह सब कुछ दिखा दिया मैंने कल के सेशन में। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है रजिस्ट्रेशन उनको मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए। अभी देखो हम है ना, ऐसा भी नहीं मटेरियल लिस्ट दे दिया और काम खत्म, आप अरेंज करिए पूरा मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए। कल लाइव गई हूँ, एक एक मटेरियल दिखाया है, कैसे परचेज करना है, क्या चीज पहले चूज करनी है, सब किया है हमने। गोंद आर्ट भी करवा दिया डियर, और बोलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। लिप्पन आर्ट का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं लूंगी, स्ट्रिंग आर्ट के बाद लेंगे, पहले स्ट्रिंग आर्ट कर लेते हैं ना। लिप्पन आर्ट ये देखो, ये कोनिंग लिप्पन है, कोनिंग लिप्पन करवाएंगे अब हम, क्योंकि कोइल वाला हम करवा चुके हैं ऑलरेडी एयर ड्राई क्ले से। अभी हमारा ये कोनिंग वाला लिप्पन आएगा, ये देखो ये डिजाइन कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है जो आप ये बना रहे हो, सॉरी ये वाला डिजाइन देखो, कोई प्रिंट आउट नहीं मिलेगा इसमें आपको, सारा आपको मेजरमेंट से दिखाएंगे। स्ट्रिंग आर्ट का एक बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक हमने कर लिया था, यहाँ पर फ्री सेशन था बेसिक का, ये बेसिक एग्जाम्पल है स्ट्रिंग आर्ट का, हम करने वाले हैं एडवांस लेवल का। मुझे व्हाट्सएप करिए रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। चलो मैं दिखाने आई थी वो तो भूल ही गई, व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हम कर चुके हैं 3D,
चलो मैं बताती रहती हूँ। ये हमने 10 आर्ट सेशन में किया था, वाटर इफेक्ट 10 आर्ट के सेशन में किए थे हमने। वन स्ट्रोक पेंटिंग भी था उसमें 10 आर्ट सेशन में, वन स्ट्रोक पेंटिंग ये सब सिखाया था। तो ये एग्जांपल्स जब सिखा रही थी तब का है। एब्स्ट्रैक्ट किया है 10 आर्ट में, चलो आपको दिखाती जाती हूँ। ये हमने फ्रेम बनाया था डूडल वाला, ये भी हमारा सेशन रखा है लाइव वाला। ये हमने करे हैं मंडला आर्ट के, ये हमारा हाफ एंड हाफ मंडला बनवाया था हमने, मंडला के काफी सारे हैं इसके अंदर मंडला आर्ट के। केरला म्यूरल, ये इसका सेशन भी हो गया है, रिकॉर्डिंग रखी है केरला म्यूरल आर्ट का। मधुबनी सन, इसका भी रिकॉर्डिंग रखा है, ये भी हो गया है, दोबारा नहीं करवाऊंगी, ऑलरेडी जिनके रिकॉर्डिंग रखे वापस यही कराऊंगी तो फिर नया कब लाऊंगी ऑलरेडी। बिल्कुल नॉमिनल फीस में हमारे थे ये गणेशा, एक्रेलिक गणेशा विद टेक्सचर, बैकग्राउंड टेक्सचर है ना, ये फर्ट पेंटिंग है, ये हमने नहीं कराया अभी। न्यूज़पेपर आर्ट और इस ये भी करवा चुके हैं एक्रेलिक पेंटिंग, इसका भी सेशन रखा है। ये बुद्धा हमारे बिल्कुल नॉमिनल फीस में थे, 3D आउटलाइनर से हैं। पैटर्न आर्ट नेम में हम करवा चुके हैं, नेम फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, ठीक है। ये क्या था, एक तो इनके पीछे मैंने इतने रख रखे हैं, ये हमारा हो चुका है, ये एनजीओ के लिए जो हमने क्लास ली थी ऑयल पेस्टल कलर से। और बताती हूँ, लाइन आर्ट हम करवा चुके हैं, इसका भी सेशन रखा है। वार्ली पेंटिंग ये हम करवा चुके हैं, इसका भी सेशन रखा है। बहुत कुछ करवा दिया है ना, ये बिल्कुल नॉमिनल फीस में, ये हमारी 2 पेंटिंग्स आई थी, 2 पेंटिंग का सेट हमने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान एंड संयोगिता, बैकग्राउंड टेक्सचर आप देख सकते हो। और मिल नहीं रहा, मैंने कहा क्या रख दिया, और शायद दूसरा फाइल है उसमें रखा है, अभी मेरे पास एक ही फाइल है, एक फाइल हमने कहीं और रख दिया है तो मुझे मिल नहीं रहा अभी। इन सबको मुझे बना के रख डालना है एक साथ। लिप्पन आर्ट पेड क्लास है डियर, सारा फ्री सेशन नहीं होता है, कुछ पेड क्लासेस भी होती है। चलो अभी हम सेशन ओवर करते हैं, टाइम ओवर हो गया है, 3 o'clock हो गया, 4 o'clock से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ओनली 1 आवर बीच में मिलता है मुझे, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ट का रजिस्ट्रेशन कर लो, थाई पेंटिंग का रजिस्ट्रेशन करवा लो अभी, रेजिन आर्ट करना है तो रेजिन आर्ट का करवा लो अभी, रेजिन आर्ट का कर सकते हो आप, रेजिन आर्ट क्लॉक और रेजिन आर्ट ट्रे हैंडल्स देखो कितने सुंदर है, ये देखिए कोस्टर होममेड मोल्ड से बनाए हमने, ये देखो मोल्ड बनाया था, होममेड मोल्ड से बनाते हैं हम, हार्ट शेप का भी बना दिया हमने कोस्टर, तो जो बनाना है आपको इसका। मैं अभी आजकल में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा सारा मटेरियल आया हुआ रखा है, नंबर्स आए हुए रखे हैं, मशीन आई हुई रखी है, इसको एडजस्ट करना है बस, तो ये कंप्लीट कर दूंगी, इसका क्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ रह गया अभी बताओ, मेंबर्स यहाँ कम हो जाते हैं, अभी देखो 150 अमाउंट मेंबर्स रह जाते हैं, आप लोग शेयर करते नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता क्लास लेने में। आप अगर शेयर करोगे और मेंबर्स आएंगे तो हम और आर्ट लेकर आएंगे। 4 o'clock को हमारी रिलीफ पेंटिंग की क्लासेस चल रही है डियर, फिर 4 to 5, फिर 5 to 6 हमारी बुद्धा म्यूरल की चल रही है क्लास,
आर्ट एंड क्राफ्ट विला यूट्यूब पर भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट विला के नाम से है। अभी मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आपको, यूट्यूब का लिंक देती हूँ, रुकिए अभी यूट्यूब का लिंक शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। अभी मेरा यूट्यूब का लिंक मुझे किधर गया, रुको, यूट्यूब का लिंक दूं आपको, ये रहा कॉपी लिंक एड्रेस, फेसबुक और ये पेड है डियर, थाई पेंटिंग। थाई पेंटिंग इतना डिफिकल्ट वर्क है, ऐसे कैसे इजी हो सकता है, फ्री नहीं हो सकता। ये रहा यूट्यूब का लिंक, शेयर कर दिया, कमेंट बॉक्स में देख लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट विला यूट्यूब का लिंक, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए आपको पसंद आ रहा है हमारा आर्ट, मधुबनी के टू स्टाइल हो गए, कचनी हो गया, भरनी हो गया, गोदना खोवर और तांत्रिक भी हो जाएंगे हमारे कल और परसों, दो दिन और हम 2 o'clock आने वाले हैं लाइव, तो आप शेयर करिए, है ना। चलो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फीस के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा, डिटेल्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। ओके बाय, डिटेल्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे आइए प्लीज, व्हाट्सएप नंबर मेरा फेसबुक पेज पर है। स्ट्रिंग आर्ट 300, 3 आर्टिकल, 3 डेज क्लास ओनली। ओके बाय।